आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस सीरीज का मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। हालांकि इसमें कोई और क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 हम करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर ए बी सी डी जी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये एक डायमीटर है और जिसकी रेडियस है मीन्स ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। द लेंथ ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल, यहाँ पर ए बी और बी सी और सी डी ये सभी इक्वल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे लिखा है सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी एंड बी डी एज ए डायमीटर, ठीक है। ये ए बी जो है ये डायमीटर लिया हुआ है और इसे एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है। साथ ही बी डी भी एक डायमीटर है और ये इससे भी क्या किया गया है, एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है एज शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर आप देख सकते हैं। और साथ ही फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ पर पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है और शेडेड रीजन का ये जो देख रहे हैं इसका भी एरिया में फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर लिखा है ए बी बी सी सी डी आर इक्वल, तो ए बी और बी सी और सी डी यहाँ पर इक्वल दी हुई है, लेकिन साथ ही नीचे लिखा हुआ है कि ए बी एंड बी डी, यहाँ पर ए बी और ये बी डी ये डायमीटर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन है। तो हम ए बी और यहाँ बी डी इनको डायमीटर लेके ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पर रेडियस जो है वो मैं लिख लेता हूँ 6 सेंटीमीटर है, आइए लिख लेते हैं। और यहाँ पर सॉल्यूशन हम करने वाले 61, देखिए ये फिगर आप देख सकते हैं। और रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, मैं पेरीमीटर लिख लेता हूँ यहाँ पर पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे चलना शुरू करे तो ये देखिए सेमी सर्कल कवर हो गया और उसके बाद फिर ये बिग सेमी सर्कल कवर हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर ऐसे जाएंगे तो फिर ये सेमी सर्कल कवर हो जाता है। तो इस टाइप से हमें मालूम हुआ कि हमें क्या करना होगा, इन तीनों सेमी सर्कल को ऐड कर देना है, ठीक है बच्चों। पेरीमीटर निकल आएगा, आई पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर ए बी डायमीटर है तो रेडियस क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये पाई 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। लेकिन सेमी का निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड कर दे, ये होता है। तो यहाँ पर ये R1 ये वाली लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर ये बिग बिग के लेनी है तो प्लस इसमें करना है 2 पाई आर, ये मैं सेकंड ले लेता हूँ और इसको भी 2 से डिवाइड करना है और प्लस फिर ये नीचे बस स्मॉल वाला 2 पाई आर, इसमें 3 रख देते हैं, उसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 डिवाइड हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब देखिए तीनों में पाई कॉमन है तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं इधर, और यहाँ पर है R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। इस तरीके से आइए पाई की जगह पाई रखने रहने दें, और R1 है हमारा यहाँ पर, देखिए ये 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर ये 6 है तो 6 लिखना है, और फिर यहाँ पर आ गया 3 तो 3 लिखना है, और पाई 3 और 3 6 और 6 12, ठीक है। तो 12 पाई, यहाँ पर ये सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम एरिया निकालना है तो एरिया भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इसमें एरिया देखिए यहाँ पर इस सेमी सर्कल का निकालना है तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर ये होता है, और इसको भी क्या करना है, 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों ये सेमी सर्कल का भी हम निकाल रहे हैं, अब इसमें भी जो बिग है इसका 1 मान लेते हैं और ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पर 2, और इसको भी क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, और साथ ही फिर ये वाला माइनस कर देना है, ठीक है। ये वाली तो हम माइनस करेंगे यहाँ भी, तो पाई और इसमें आर रहेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 3 मैं ले लेता हूँ और इसको 2 से कर देते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 भी कॉमन आया हुआ है और पाई भी है, तो मैं पाई बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ R² 1 प्लस R² 2, और यहाँ पर सॉरी ये माइनस है,
तो आर स्क्वेयर थ्री ये इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आप देखिए पाई को पाई रहने दें और यहाँ पर टू और यहाँ पर आर जो है हमारी, यहाँ पर देखिए अगर इसका निकालें तो थ्री होगा, तो थ्री का स्क्वेयर बच्चों नाइन होता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नाइन, और प्लस आर यहाँ पर ये बिग है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इसकी सेमी सर्कल जो आ रही है, मिस रेडियस है सेमी सर्कल की, वो होगी सिक्स, और सिक्स का स्क्वेयर लिख देते हैं 36, और माइनस यहाँ पर जी हमें माइनस करना है। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये क्या है बच्चों, यहाँ पर सिक्स है, साथ ही रेडियस होगी थ्री, और थ्री का जो स्क्वेयर होता है वो होता है नाइन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, और साथ ही देखिए माइनस नाइन और प्लस नाइन ये हो जाते हैं डिवाइड, और फिर पाई बाय टू, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया 36, और टू से इसको डिवाइड करते हैं तो 18, और यहाँ पर आ गया 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।